तो आज हम पढ़ते हैं फटीक फेलियर डिजाइन। अभी मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तीन टाइप के आपके मैंने स्ट्रेसेस बताए थे। एक तो आपका फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस था, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था रिवर्स स्ट्रेस, ठीक है, या रिपीटेड स्ट्रेस। और थर्ड मैंने आपको बताया था कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। ये तीन टाइप के मैंने आपको स्ट्रेसेस बताए थे। ओके, सो अब आज हम पढ़ते हैं फटीक फेलियर डिजाइन। फटीक फेलियर डिजाइन क्या होता है? ये दो तरीके से होता है बेसिकली। आप ये मान लीजिए दो तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब पहला होता है आपका कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस के लिए, और सेकंड केस होता है आपका फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के लिए, ठीक है। ये जो आपका कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है, अभी मैंने आपको सबसे लास्ट में कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस ही बताया था। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था जो सिग्मा एम होता है, सिग्मा एम मतलब सिग्मा मीन, तो मीन स्ट्रेस जो होता है रिपीटेड वाले का जीरो होता है। ओके, तो यहाँ पर मीन स्ट्रेस जीरो हो गया जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड इसके अंदर ना देखिए, ध्यान से देखिए, तीन केस होंगे। पहला केस होता है फॉर इनफाइनाइट लाइफ, सेकंड केस होता है फॉर फाइनाइट लाइफ, और इसके अंदर आप तीनों केस को एक साथ लेके चलते हो, जिसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का केस है। इसका केस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो इनफाइनाइट लाइफ अगर आपका होता है तो उसके लिए हमें एंड्योरेंस लिमिट लगानी पड़ती है। उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ती है? एंड्योरेंस लिमिट। ओके, सो इनफाइनाइट लाइफ के लिए एंड्योरेंस लिमिट लगाएंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो और जो आपका फाइनाइट लाइफ होता है उसके लिए मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था एसएन कर्व यूज करते हैं। क्या कर्व यूज करते हैं? एसएन कर्व। ओके, तो आप देखिए, मैं अभी आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट मींस केस फर्स्ट एंड केस सेकंड इसी वीडियो में कवर करूंगा, और जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का केस है केस थर्ड, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा विद वन न्यूमेरिकल। ओके, सो अभी मैं पहले इसका एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको फाइनाइट लाइफ का, और इसके न्यूमेरिकल के लिए आपको मेरी नेक्स्ट टू वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ओके, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस फॉर इनफाइनाइट लाइफ। अगर आपकी लाइफ इनफाइनाइट है तो आपको दो केसेस देखने पड़ते हैं। ओके, अब वो दो केसेस कौन से होते हैं? एक तो आपका केस होगा बैंडिंग का, एक होगा टॉर्जन का। ध्यान से देखिए, अगर आपका एक फैक्टर होता है, यहाँ पर देखिए, ये है आपका सिग्मा ए। सिग्मा ए का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, जिसको आप अल्टरनेटिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, या अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, जो स्ट्रेस चेंज हो रहा हो, वेरी हो रहा हो। ओके, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग स्ट्रेस या एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको सेफ लिमिट लेनी है तो कोई भी आपका जो एंड्योरेंस लिमिट होगा उसको आपको किससे डिजाइन किससे डिवाइड करना पड़ेगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। ओके, ताकि आप उस मटेरियल को सेफ कर सको। सो यहाँ पर देखिए, अगर आपका बैंडिंग होगा, इन केस ऑफ बैंडिंग, अगर आपका बैंडिंग है तो आपको फैक्टर लेना है SE। क्या फैक्टर लेना है? SE। ओके, SE फैक्टर लेना। अब SE क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और अगर आपका टॉर्जन है, यहाँ पर देखिए, अगर आपका टॉर्जन का केस है, क्वेश्चन में बोलोगा टॉर्जन है, एक शाफ्ट है, वो ट्विस्ट हो रही है, टॉर्जन लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, टाउ ए इज इक्वल टू SSE डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, अब SSE क्या होता है, ठीक है, और आपका SE क्या होता है, इसको भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसलिए डिवाइड किया ताकि आप सेफ डिजाइन की कंडीशन तक पहुंच सके। ओके, सो आप देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए, SE क्या होता है? SE का मतलब होता है करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट। क्या होता है? करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, मैं लिख देता हूं। SE का मतलब होता है करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट। इसको मैंने करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट क्यों यूज किया? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वो करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट SE ले लेना है। अगर नहीं है तो मेरी नेक्स्ट टू वीडियोस देखना, तो आपको पता चल जाएगा क्यों लेना होता है, क्योंकि वहां पर एक फैक्टर आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस कंसेंट्रेशन फैक्टर, ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊं। सो SSE जो आपका SSE होता है वो 0.5 SE के इक्वल हो जाता है, एंड जो SSE होता है वो 0.577 SE के इक्वल हो जाता है। अब ये दो मैंने वैल्यूज क्यों लिखी? आपको कंफ्यूजन होगी कि मैंने दो वैल्यूज क्यों लिखी है। ओके, सो अब बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर दो थ्योरीज लगती हैं। थ्योरीज ऑफ फेलियर आपने अपने लास्ट सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर दो तरीके की थ्योरीज ऑफ फेलियर लगती है। एक तो होता है आपका मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो आपकी वैल्यू होती है SSE इज इक्वल टू 0.5 SE। ओके, एंड
और अगर आपका SSC है, ठीक है, SSC इज इक्वल टू 0.577 है, तो इसके अंदर आपकी लगती है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। कौन सी थ्योरी लगती है? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। मैं यहां लिख देता हूं डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ओके, यहाँ पर इन दो थ्योरीज के अकॉर्डिंग होता है, तो दोनों में से आप देख सकते हैं। वैसे बेस्ट होता है कि आप ये वाली थ्योरी लगाएं, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। ओके, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। सो डिपेंड करता है आप दोनों में से कौन सा यूज करते हैं। ओके, इसमें से या फिर ये वाला। ओके, अब ये जो है ये आपके टू टाइप से यूज होता है, बाइंडिंग के केस में और टॉर्जन के केस में। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप नेक्स्ट फर्स्ट केस समझ आ गया होगा आई थिंक। अब मैं सेकंड केस की तरफ बढ़ता हूँ। सेकंड केस जो होता है आपका, होता है कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। तो फाइनाइट लाइफ के लिए, फाइनाइट लाइफ कितनी होती है? 10^6, है ना। और इसको हम किससे निकालते हैं? अभी मैंने आपको बताया भी था किससे निकालते हैं, सोचो, SN कर्व से। फाइनाइट लाइफ को SN कर्व से निकालते हैं। तो अब हमें SN कर्व समझना पड़ेगा, व्हाट इज SN कर्व। तो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली जब का एस और एन कर्व होता है, इस कर्व को हम बोल सकते हैं लॉगरिथमिक कर्व। लॉगरिथमिक कर्व। अब इसको लॉगरिथमिक कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज लॉग के अंदर ली जाती है, ठीक है, बेसिकली। अब यहां पर देखिए, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है आपका स्ट्रेस, और एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइकल्स। नंबर ऑफ साइकल्स बहुत ईजी है, मतलब कि आपने कितनी रिपीटेड साइकिल्स लगाई जिसकी वजह से आपका मटेरियल फेल हो गया, ठीक है, या मटेरियल बच गया। तो अब हम देखते हैं कितनी लाइफ लगानी चाहिए। तो हमने यहां मान लिया फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है 10^6। ओके, अब देखिए, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस समझने की जरूरत है। अब यहां पर देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपका एक स्ट्रेस है और एक आपका एन है, नंबर ऑफ साइकिल्स। दिस इज योर एस, जिसको मैं एस टी लिख देता हूँ। एस टी को भी लॉग में लिखूंगा, क्योंकि मेरे को सारी वैल्यूज लॉग में ही लेनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, 4 और 3। ये मैंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, आप ध्यान से ये समझना, यहाँ मैंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। ये SN कर्व, आपको यही बात यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी, दो पॉइंट बनेंगे, और बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, आपको दो पॉइंट याद कर लेने हैं, ध्यान से याद कर लेने हैं। अगर आपका यहां पर देखिए, ये आपका एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ साइकल्स, एन का मतलब है आपका नंबर ऑफ साइकल्स, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ साइकिल, और यहां पर एस जो मैंने लिखा है, ये एक तरीके का आपका स्ट्रेस है, ठीक है, ये भी आपके लॉग स्केल है। यहां देखिए, आपको अगर ए पॉइंट लेना है, मतलब ये जो 3 है, ये एक्चुअल में 3 नहीं है, ये 3 का मतलब है 10^3। आप देख लीजिए 10^3, ये आपकी 10^6, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आप देखिए, SN कर्व को ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट याद करने हैं, बस, सिंपल है, और आपको बहुत इजीली हो जाएगा, आप ज्यादा हार्ड नहीं। आप देखिए, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। ये अगर समझ आ गया तो आपको न्यूमेरिकल समझ आएगा, मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ओके, सो आप यहां पर ध्यान से देखिए, आप 10^3 पर ये एक पॉइंट मैंने मार्क करा, दिस पॉइंट इज ए, मान लेते इस पॉइंट को ए, ओके। और 10^6 पर इन्हीं दो, क्योंकि हमें 10^6 तक ही टेस्ट करना होता, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और 10^6 पर यहाँ थोड़ा सा ऊपर मैं मान लेता हूँ पॉइंट बी है। ओके, अब इस ए और बी पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब यहां पर देखिए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। यहां पर देखिए, आपको याद रखना है log 10 के साथ 0.9 SUT, और SUT जो होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि कितना अल्टीमेट स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर ए पॉइंट पे आपको याद रखना है, x एक्सिस में तो 10^3 है, और y एक्सिस में log 10 0.9 SUT, ये आपको फिक्स है ए पॉइंट पे, ये याद रखना। और बी पॉइंट पे, यहां पर बी पॉइंट पे आप देखेंगे तो यहां पर आ जाता है आपका log 10 SE बी पॉइंट के लिए, और x एक्सिस से क्या आएगा 10^6। तो यहां पर देखिए, आपके दो पॉइंट बन गए, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, और ये लॉग में बने, सारी वैल्यूज मैंने लॉग में ली, ठीक है, ये सारी वैल्यूज लॉग में ली, इसीलिए इस कर्व को बोला जाता है लॉगरिथमिक कर्व। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए, सपोज आपको ए और बी तो पता ही है, SUT आपको गिवन होगा, ठीक है,
ऐसी आपको गिवन होगा, सब आपको गिवन होगा। बट आप एक ध्यान से समझिए एक चीज, अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया कि भाई यहाँ पर और यहाँ पर तो ठीक है, मैंने आपको बोल दिया क्या मेरी साइकिल्स कुछ इतनी है और इस साइकिल पे मेरे को बताओ कितना स्ट्रेस होगा, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, यहाँ पर ये वाला नहीं पता मेरे को और मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है कि कितना होगा। अगर आपको ये पता होगा, ये आपको गिवन होगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको, ये दो वैल्यूज तो पता ही है, ये पॉइंट आपको गिवन होगा, आप ये निकालो, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ओके, थोड़ा सा वेट करिए, इरेज कर लेते हैं। देखिए अब हम एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं एस एन कर्व के ऊपर, और एस एन कर्व को अभी मैंने बताया था क्या बोलते हैं, फाइनाइट लाइफ। फाइनाइट लाइफ के अब हम डिजाइन करते हैं कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस के लिए, एक इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक सिलैंड्रिकल शाफ्ट है, एक शाफ्ट दे रखी है आपको, ठीक है, एक सिलैंड्रिकल शाफ्ट है जिस जो सब्जेक्ट होती है सब्जेक्टिव टू एंड अल्टरनेटिव स्ट्रेस। अल्टरनेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, सिग्मा ए, ठीक है, अल्टरनेटिव स्ट्रेस ऑफ इतना इतना एमपीए का स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, तो सिग्मा ए की वैल्यू आपको दे दी है, ठीक है, और आपको पता है कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है फाइनाइट लाइफ के लिए, तो सिग्मा एम क्या होगा, सिग्मा एम होगा जीरो, ठीक है, मीन स्ट्रेस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फटीग स्ट्रेंस टू सस्टेन थाउजेंड साइकिल्स, थाउजेंड साइकिल्स का मतलब क्या है कि 10^3 साइकिल्स के लिए आपका इतना लोड आ जाता है, इतना स्ट्रेस आ जाता है 490। इन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेस दे दिया, एसयूपी नहीं दिया, ठीक है, जब एसयूपी नहीं दिया तो आप डायरेक्ट स्ट्रेस ले लो, अगर एसयूपी दिया होता उसको 0.9 से पहले मल्टीप्लाई कर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ए पॉइंट पे लेते हैं, मतलब यहाँ मैंने 1 पॉइंट लिखा हुआ है, ओके। अब देखिए इफ द करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, यहाँ पर क्या बोला है, करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, अगर करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बोला होगा तो एससी की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर देखिए एससी की वैल्यू आपको कहाँ पर गिवन होती है, बी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर एससी तो लिखा होता है बी पॉइंट पे, मतलब सेकंड पॉइंट पे आपको एससी निकालना होता है, यहाँ पर एससी 0.9 एससी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर 10^6 साइकिल के लिए होगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ 10^6 साइकिल के लिए 70 एम। ओके, अब आपको बताना है इसमें आपको ये जो 100 स्ट्रेस दे रखा है इसके लिए एन कितना होगा, कितनी साइकिल से मूव करेगा। अब देखिए इसमें ये आपको पता है, दो पॉइंट्स के लिए आपको पता है, अब आपको निकालना क्या है, ये निकालना है एन, ओके, तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, तुम्हारे तो एक एस्टिमेटेड लाइफ निकालनी है, मतलब एन निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है, एन निकालना है तो लॉग 10 एन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए सिग्मा ए आपको 100 एमपीए दे रखा है, सिग्मा एम जीरो ही होगा, आपको पता है क्यों, क्योंकि मीन स्ट्रेस हो गई नहीं, कम्प्लीटली रिवर्स का केस है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए एट 10^3 490 एमपी लग रहा था, 10^3 पे देखिए तो 10^3 यही होता है, इसको हम ए पॉइंट मानते हैं, इस पे आपका कितना लोड लग रहा है 490, तो उसको मैंने लॉक की वैल्यू में ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका एस है, यहाँ पर आपका एन है, सभी तो इसको इस कर्व को बोलते हैं एस एन कर्व, है ना, और एस एन कर्व से हम सॉल्व करते हैं फाइनाइट लाइफ के लिए, ठीक है, और फाइनाइट हम 10.6 तक ही टेस्ट करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट के लिए, ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हो गया, ये सेकंड पॉइंट के लिए हो गया, सेकंड पॉइंट पर क्या है, एट 10^6 साइकल्स, जब आपकी साइकल्स 10^6 होंगी, ओके, 10^6 साइकिल पे जो आपकी करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट दे रखी थी, मतलब एसई करेक्टेड दे रखे है, तो एसई ले लेंगे डायरेक्ट, और ये आपको एसई ही देगा इस केस के अंदर, मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा बाद में, ठीक है, जिसके अंदर आपको वो कंसीडर नहीं किया एसई, तो आप देखिए एसई की वैल्यू 70 एमपी है, तो सेकंड पॉइंट पे एसई की जगह पर हमने 70 डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको ए पॉइंट पे ये पता है, बी पॉइंट पे ये पता है, एक्स वन ये पता है, ये आपका एक्स वन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स टू, एंड दिस इज योर एक्स, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है। अब ऐसे ये वाई आपको पता है, वाई वन फर्स्ट कंडीशन के लिए ये है, सेकंड कंडीशन के लिए ये है, तो वाई टू ये हो जाएगा, सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, थ्री पॉइंट पे आपको कुछ भी नहीं पता, थ्री पॉइंट वाला आपको एन फाइंड आउट करना है, ये आपको 100 पता है कि स्ट्रेस इतना लग रहा है, साइकिल बता दो जी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब आप इसको आराम से बता सकते हो कैसे, ये एक तरीके की क्या है, स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी यूज करो, तो यहाँ लिखो बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जब आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज करोगे तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस सॉरी x
एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स थ्री। ओके क्लियर। अब यहाँ पर देखिए वाई की वैल्यू क्या है, आपको पता है लॉग हंड्रेड। वाई वन की वैल्यू क्या है, लॉग फोर नाइनटी। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हम आपने। लॉग वाई टू की वैल्यू कितनी है, लॉग सेवेंटी। वाई वन की वैल्यू कितनी है, लॉग फोर नाइनटी। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स आपको फाइंड आउट करना है, वही है लॉग टेन एन। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो माइनस लॉग, इसको तो लॉग लिखने की जरूरत भी नहीं है, या तो लॉग लॉग लिखोगे तो थाउजेंड लिखना पड़ेगा डायरेक्टली, तो थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस थ्री, क्योंकि एक्स टू की वैल्यू कितनी है, सिक्स है। जब आप इसकी सारी वैल्यू इसको पुट कर दोगे, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको लास्ट में एक वैल्यू मिलेगी लॉग टेन एन इज इक्वल टू, और वैल्यू कितनी होगी मैं आपको बता देता हूँ, लॉग टेन एन इज इक्वल टू 5.44। ये वैल्यू मिलेगी। आप यहां से आपको एन निकालना है, अगर याद रखिए, या तो आप एन की लॉग के चक्कर में पड़िए, ठीक है, या तो आप सिंपल कर दीजिए, अगर आपका एन कुछ भी दे रखा हो इस साइड, आप जब भी आपका लॉग दे रखा होगा, एन आपको कुछ भी दे रखा हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये कोई वैल्यू आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर ये 5.44 मतलब यहाँ पर 5000 साइकिल्स के अप्रॉक्स होगा। अब कितनी साइकिल होंगी, ठीक है, ये आपको नहीं पता है ना, तो आप फाइंड आउट कर लो यार, सिंपल सी बात है। देखिए एन है 10 की पावर कर दो, 10 की पावर 5.44 कर दो, जैसे आप 10 की पावर 5.44 करोगे, आपको एन की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, यहाँ पर लॉग था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया 10 की पावर में, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2819 साइकल्स। ओके, इतनी साइकल्स लगेंगी जब कि आपका स्ट्रेस उतना लगेगा, इतनी साइकल्स पे इतना स्ट्रेस लगेगा। इस तरीके की सिंपल जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी वो मैंने आपको करवा दिया असेंट वर्क से। बाकी आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप बीबी भंडारी की बुक से करें, ठीक है, बीबी भंडारी में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आपकी यूनिट फर्स्ट के, जो आपके बायोमेट्रिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके, थैंक यू, लाइक प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स।